मानव श्रृंखला को सफल बनाने और उसमें लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय से मध्य विद्यालय तक जल जीवन हरियाली के तहत मध्य विद्यालय के बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया और कहा कि हमें पर्यावरण सुरक्षा के लिए बहुत ही सजग रहना होगा। इसके लिए 19 जनवरी को मानव श्रृंखला बनानी है। इस रैली में प्रशिक्षु IAS आशुतोष द्विवेदी, प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रभूषण गुप्ता एवं मध्य विद्यालय जगदीशपुर के सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भागलपुर से सन्मार्ग टीम की रिपोर्ट। मानव श्रृंखला बनाने का आयोजन किया गया है जिसका मुख्य लक्ष्य है जल जीवन हरियाली को लेकर के जागरूकता पैदा करना, नशा मुक्ति और बाल विवाह और दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए लोगों में जन जागरूकता पैदा करने के लिए इस मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है। पूरे बिहार में हम लोग एक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी स्तरों पर इसके लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसा कि जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत आज यहाँ पर हमने बैठक की थी, जो सेक्टर और जोनल पदाधिकारी उनके साथ बैठक की गई, उनकी तैयारी को लेकर के उसकी समीक्षा की गई। तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है और इस समय हम लोग का मुख्य लक्ष्य इस आखिरी हफ्ते में अधिकाधिक जनसंपर्क करने का है। उसी क्रम में आज यहाँ पर प्रखंड कार्यालय के सामने एक डेमो मानव श्रृंखला बनाई गई। उसके बाद हम लोगों ने एक बाइक रैली निकाली और पद यात्रा में भी हम लोगों ने भाग लिया, जिससे कि आम जनों में इस चीज़ को लेकर के जागरूकता पैदा की जा सके कि 19 तारीख को उनको अधिक से अधिक संख्या में मानव श्रृंखला में भाग लेना है और जो उसके लक्ष्य हैं उस बारे में लोगों को बताया जा सके। सन्मार्ग भागलपुर के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।